क्लास अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अभी कल हम लोगों ने केस स्टडी ऑफ महाराष्ट्र डिस्कस कर रहे थे हम लोग, तो हम लोग ने चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर ली थी। अब हम बात करते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट क्या स्थिति है महाराष्ट्र? लिटरेसी रेट भी मैंने आपको बताया था कि 82% लिटरेसी रेट है महाराष्ट्र, एज कम्पेयर टू 94% इन केरला। 12% की कमी है केरला से महाराष्ट्र, जबकि महाराष्ट्र की पॉपुलेशन केरला से बहुत ज्यादा है। महाराष्ट्र इज द सेकेंड लार्जेस्ट पॉपुलेटेड स्टेट ऑफ द कंट्री। ठीक, अब देखेंगे हम मेल और फीमेल लिटरेसी रेट क्या डिफरेंस है। मेल्स का क्या लिटरेसी रेट? मेल्स का लिटरेसी रेट है 88.4% मेल्स का, ठीक है, और फीमेल्स का है 75.9। बस देखिए यही पर डिफरेंस आ। अब हमने केरला में क्या देखा था? केरला में मेल फीमेल रेशियो भी सही था, लिटरेसी रेट मेल फीमेल का ऑलमोस्ट इक्वल था। बट जब मेल फीमेल रेशियो सही होगा तो मेल फीमेल का जो लिटरेसी रेट है वो ऑलमोस्ट इक्वल होगा। 94% आप लिटरेसी रेट देख रहे हैं, यानी दोनों जेंडर जो है वो इक्वल लिटरेसी गेन कर रहे हैं। बट यहाँ पे आप देख रहे हैं कि फीमेल्स का लिटरेसी रेट मेल्स की कंपैरिजन में 13% कम है। यही भी डिफरेंस आ। फीमेल्स को जब अच्छी एजुकेशन नहीं मिलेगी तो वो डेवलपमेंट में कैसे कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे? अगर उन्हें अच्छी एजुकेशन स्किल नॉलेज में नहीं मिलेगी तो स्किल वर्क को कैसे कर पाएंगे? इसका मतलब ये होगा कि वो ऐसे और जॉब्स करने में, यहाँ पे अभी भी 24% ऐसी फीमेल्स होंगी जो और जॉब्स करेंगे या हाउस होल्ड कोर्स करेंगे, तो अब उनको और जॉब्स करने में जब विवश होना पड़ेगा तो वो बहुत ज़्यादा इनकम जनरेट कर नहीं पाएंगी, तो वो अपनी फैमिली को उतना ज़्यादा हेल्प नहीं कर पाएंगी। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि उनकी फैमिली इनकम लोअर होगी और एज अ रिजल्ट मेडिकल केयर अपने चिल्ड्रन को उतनी अच्छी नहीं दे पाएंगे। अगर उनके मेल्स भी अच्छा वर्क कर रहे होंगे तो इसमें भी बहुत सारे ऐसे मेल्स होंगे जो बहुत ज़्यादा बढ़िया जॉब नहीं करते, लोअर इनकम वाली जॉब करते होंगे या बहुत ज़्यादा हाई इनकम जनरेट नहीं करते। एजुकेटेड तो हैं लेकिन उतना ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं करते होंगे मोस्ट पॉपुलेशन की। इसका रिजल्ट ये होता है कि महाराष्ट्र कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे होता है। The gap between male and female literacy rate 12.5 from, देखिए पहले ये थोड़ा डिक्रीज तो हुआ, पहले 2001 में 19% डिफरेंस था मेल और फीमेल लिटरेसी रेट, ठीक है, बट अब ये 12.5 है, कुछ प्रोग्रेस नहीं है हमारा, थोड़ा जागरूकता फैलाई हुई है, थोड़ा अवेयरनेस फैलाई हुई है, जब एजुकेशन की अवेयरनेस वहाँ पर फैलाई गई तो उसका रिजल्ट और कुछ स्टेट गवर्नमेंट की कुछ प्रोग्राम्स भी वहाँ पर डल किए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सारे प्रोग्राम्स, इन सारे जो गवर्नमेंट प्रोग्राम्स हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प किया है लेकिन उन्हें लिटरेसी रेट को इंक्रीज कर, ठीक है। अब हम देखते हैं महाराष्ट्र का पूरे इंडियन परस्पेक्टिव में क्या कंडीशन है, ठीक है। तो महाराष्ट्र मैंने भी बताया इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन एंड बिहार इज द एट द थर्ड पोजीशन। द ग्रोथ रेट ड्यूरिंग 2011 1 टू 11 वाज 15.99% इन द स्टेट, लेस देन दैट ऑफ द नेशनल लेवल। अब देखिए एक चिंता की बात यह कि ग्रोथ रेट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र की थी जो डिकेड था आपका 2011 तो वो उसमें 15.99% थी, तो ओवरऑल नेशनल जो आपकी ग्रोथ रेट थी उससे ऑलमोस्ट 2% कम, 17.6 को जो आपकी ओवरऑल नेशनल ग्रोथ रेट थी उससे महाराष्ट्र स्टेट ग्रोथ रेट जो थी वो कम थी, विच इज अ कॉज ऑफ कंसर्न। महाराष्ट्र इन द इकोनॉमिक कैपिटल ऑफ द कंट्री should have a growth rate more than the overall national growth rate, but it is seen over here that the overall national growth rate is more than the growth rate of the state of Maharashtra, which is the cause of concern. In terms of growth rate, Maharashtra stands at 21st rank. Which is also a cause of concern. If we are considering Maharashtra as the economic capital of India, then
Maharashtra should be at the first place. Why it is at 21st place? Because of the overall criteria that we are seeing. Literacy rate, infant mortality rate, net attributes ratio. These criteria are making Maharashtra as a overall as a less developed state than many other states. Okay. In terms of sex ratio, the state ranking 22nd rank. Sex ratio भी देखी है, जो state है वो 22nd rank. Sex ratio भी 22nd rank. ये भी बहुत चिंता की बात है. With 92.5 females per 1000 males against 940 at national level. ठीक है. females per 1000 males. देखिए कितना लो है यहाँ पे सेक्स रेशियो. और ओवरऑल सेक्स रेशियो क्या है 94. तो देखिए देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस. महाराष्ट्र जिसको हम अपने इकोनॉमिक कैपिटल मानते हैं उसमें ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिल रही है. यही कारण है कि महाराष्ट्र जो है बाकी स्टेट्स के पीछे हो गया ओवरऑल डेवलपमेंट में. ठीक है. चाइल्ड सेक्स रेशियो का मैंने बताया कि चाइल्ड सेक्स रेशियो भी .883 है एज कंपेयर टू 930 ओवरऑल. पूरे नेशन का 930 है चाइल्ड सेक्स रेशियो, महाराष्ट्र का 883. यहां पे तो महाराष्ट्र पीछे. एक ही बिग क्राइटेरिया में क्लियर कर रहा, एक ही क्राइटेरिया में महाराष्ट्र पीछे. Density of population 365% per square kilometer compared to 382 at the national level. Density of population be come. Relation की 382 है और महाराष्ट्र की density 365 है. Density of population मालूम है आप लोगों को. 1 स्क्वायर किलोमीटर में रहने वाले लोगों की संख्या को डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कहते हैं. इतनी ज्यादा पॉपुलेशन होती है कि डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन कम है, यानी मतलब लोग ठीक ठाक तरीके से रहे, इतनी कोई निगेटिव साइन नहीं. डेंसिटी पॉपुलेशन कम बहुत ज्यादा होना एक निगेटिव साइन होता है, लेकिन ये थोड़ा अच्छा साइन है कि 365 हो, लेकिन तब भी बाकी चीजों में क्यों पीछे रहा. ठीक. 0 to 6 यानी चाइल्ड सेक्स रेशियो भी यहाँ पर थोड़ा सा कॉज ऑफ कंसर्न है. यहाँ पे चाइल्ड सेक्स रेशियो 11.43% है और पूरे कंट्री में 13.12%. तो ये डिफरेंस देखिए, 2-2% का डिफरेंस आ रहा है. ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. नेशनल लेवल से पीछे चल रहा है, जबकि एक स्टेट को हमेशा नेशनल लेवल के बराबर या नेशनल लेवल से ऊपर चलना चाहिए अगर हमें नेशन को ऊपर ले जाना है. क्योंकि नेशन को, नेशन कैसे ऊपर जाएगा? इंडिया इज अ कलेक्शन ऑफ स्टेट्स, तो स्टेट्स का ओवरऑल डेवलपमेंट है. लेकिन ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट से अच्छा होगा तो प्रोग्रेस होगी नेशन. और अगर स्टेट का ही डेवलपमेंट ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट के पीछे चलेगा तो हमेशा हमका जब ओवरऑल पूरा नेशन को देखते हैं तो सारे स्टेट्स के पर्सपेक्टिव में देखते हैं. अगर एक भी स्टेट ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट के पीछे चल रहा है तो हमें कहीं ना कहीं अभी ध्यान देने की जरूरत है. ठीक. और वो भी महाराष्ट्र जैसा स्टेट जो की देश, और उसमें जो महाराष्ट्र हमारे पूरे देश का इकोनॉमिक कैपिटल है, तो ऐसे राज्य में अगर ये स्थिति है तो एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है. ठीक. अब हम लोग बात करेंगे बिहार की. बिहार को आपको मालूम है मोस्ट ऑफ इट इज द मोस्ट बैकवर्ड स्टेट ऑफ इंडिया और ये पिछड़ा राज्य है बिहार. वैसे तो मोस्ट बैकवर्ड स्टेट आपके ट्राइबल स्टेट से वो है, लेकिन बिहार क्योंकि वहाँ पे अच्छी खासी पॉपुलेशन उसके साथ देखा जाए तो बिहार काफ़ी बैकवर्ड है. अब देखते हैं बिहार की क्या स्थिति.
देखिए पॉपुलेशन तो बिहार की देखी जाए तो थर्ड नंबर पे आता है बिहार ओवरऑल इंडिया। ठीक, रूरल पॉपुलेशन स्टैंड्स एट 92.07 मिलियन एंड अर्बन पॉपुलेशन 11.7 मिलियन। रूरल पॉपुलेशन कितनी है, रूरल पॉपुलेशन मैंने बताया ज्यादा है क्योंकि बिहार में अभी भी कृषि रेट कम है, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर करते हैं, इसकी वजह से ज्यादातर लोग विलेजेस में रहते हैं, रूरल पॉपुलेशन इसलिए यहाँ पर ज्यादा है। कितनी है 92.07 मिलियन, ये नंबर्स हैं आपकी परसेंटेज में 92.07 मिलियन। और अर्बन पॉपुलेशन आपकी क्या है, अर्बन पॉपुलेशन देखिए कितनी कम 11.73 मिलियन। सो देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस बिटवीन द रूरल पॉपुलेशन एंड अर्बन पॉपुलेशन व्हिच रिजल्ट्स इन द ह्यूज डिफरेंस इन द ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ बिहार and the total population had increased by 20.81 million. ठीक, total population increase हुई है और उसमें 17 million आपके rural population increase हुई। और वही सिर्फ 3 million आपकी urban population increase हुई। और मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है कि प्रेजेंट डे में जो डेवलपमेंट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द डेवलपमेंट ऑफ अर्बन एरियाज, जब अर्बन एरियाज में पॉपुलेशन ही नहीं है ज्यादा तो अर्बन एरियाज का डेवलपमेंट कैसे होगा, और रूरल एरियाज में क्या बेटा, रूरल एरियाज में जाहिर सी बात है रूरल एरियाज में क्या होगी, प्राइमरी एक्टिविटीज मेनली होती है, तो प्राइमरी एक्टिविटीज एग्रीकल्चर फिशिंग माइनिंग आपको कितनी इनकम जनरेट करेगी, उसके लिए जरूरत यह है कि अर्बन एरियाज सेक्टर्स भी हों, सर्विस सेक्टर और क्या कहते हैं सेकेंडरी सेक्टर, इंडस्ट्रीज अच्छी लगी और सर्विस सेक्टर भी वहाँ पे हो, तब तो जाकर प्राइमरी एक्टिविटी के लोगों को फायदा, नहीं प्राइमरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो रही है और अदर एक्टिविटीज कम हो रही है, इसका रिजल्ट क्या होगा, बिहार का ओवरऑल डेवलपमेंट जो है बाकी कंट्री से पीछे चला जाता है, इसलिए बैकवर्ड स्टेट में गिना जाता है। ठीक है, चंपारण की सबसे ज़्यादा यहाँ की रूरल पॉपुलेशन है, 103 मिलियन में से 47 मिलियन तो आपके चंपारण में ही रहते हैं। नहीं 47 मिलियन नहीं 4.7 मिलियन और 10 लाख इक्वल्स टू 1 मिलियन है ना, तो 47 लाख मतलब 4.7 मिलियन आती किस कहाँ रह रही है, चंपारण रह रही है। चंपारण आप लोगों को मालूम है फेमस है कि आप पहला सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी 1917 में इंडिगो प्लांटर्स के लिए। पटना हैज द हाईएस्ट, पटना एकमात्र ऐसा यहाँ पर क्षेत्र है जिसकी अर्बन पॉपुलेशन ज्यादा है क्योंकि कैपिटल है पटना। ठीक है, यहाँ पे 2.5 मिलियन अर्बन पॉपुलेशन, और कह सकते हैं कि पटना इज द मोस्ट डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार, यहाँ पे सारी मेन एक्टिविटीज पटना में होती है, पटना इज द कैपिटल ऑफ बिहार। और शिवहर इज द लोवेस्ट विद द पॉपुलेशन ऑफ 28.095। ठीक, तो अब बात करते हैं ग्रोथ रेट की, ग्रोथ रेट बहुत ज्यादा है। देखिए ग्रोथ रेट बिहार में ज्यादा क्यों, इसका एक सबसे बड़ा कारण है इलिटरेसी। मैंने आपको बताया था लिटरेसी रेट क्या था बिहार का 62% और वहां पे नेट लिटरेसी रेशियो क्या था 35। तो अब आप देख रहे हैं कि वहां पे ज्यादातर बच्चे जो हैं वो स्कूल्स नहीं जा रहे हैं 8th क्लास के बाद, 14 to 15 एज ग्रुप जो मेरी 9th क्लास है, एलिमेंट्री एजुकेशन से ऊपर एजुकेशन गेन ही नहीं करते, और अगर और उसमें से भी 38% तो बिल्कुल पढ़े नहीं, तो जब पढ़े लिखे के नहीं तो उन्हें फैमिली प्लानिंग के बारे में क्या मालूम, एजुकेशन ही तो फैमिली प्लानिंग। अब आप जो भी फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम्स होते हैं, अगर इफ यू आर नॉट एजुकेटेड हाउ कैन यू
अब वहाँ पे ये भी कह सकते हैं गवर्नमेंट उनके प्रोग्राम भी नहीं चलाती लोगों को एजुकेट करने के, और रूरल पॉपुलेशन उतना ज़्यादा पढ़ी लिखी ना होने की वजह से ये सारी चीज़ें समझ भी नहीं पाती, और वो लोग और ट्रेडिशनल हाउस होल्ड जो है आपके वो पूरी तरीके से ओल्ड कस्टम्स में बिलीव करते हैं, ओल्ड कस्टम्स में ये कि भगवान जितने बच्चे दे रहा है पैदा होते हैं भले उनको खिलाने के लिए उनके पास पैसा ना हो, लेकिन पॉपुलेशन बढ़ाया जा रहा है, फैमिली को कंट्रोल नहीं करते हैं, फैमिली प्लान नहीं करते हैं, इसका रिजल्ट ये होता है कि लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। ठीक, The corresponding growth rate of population in rural urban areas was 23.90% and 35.11% respectively. तो 23% rural population बढ़ी और 35% urban population. तो urban population थोड़ा ज़्यादा बढ़ रही थी, ये अच्छी बात है, लेकिन अभी भी rural population का जो growth rate है वो अभी भी urban population को टक्कर देगा। ठीक, बिहार has recorded the highest decadal growth rate in rural population in the country. एक बहुत अच्छी बात यह है कि सबसे रूरल पॉपुलेशन में बहुत तेजी से डिक्रीज हुआ, पूरे देश में सबसे ज्यादा तेजी से रूरल पॉपुलेशन बिहार में कम हुई, जो एक पॉजिटिव साइड है। अगर बिहार को आगे पहुंचना है तो अर्बन पॉपुलेशन को बढ़ना है, रूरल पॉपुलेशन को डिक्रीज होना है, और ये देखने को मिल रहा है कि लास्ट डिकेड 2001 से 2011 के बीच में रूरल पॉपुलेशन में काफी अच्छी कमी आई है, पूरे देश में सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन में कमी आई है बिहार में, क्योंकि सबसे ज्यादा रूरल पॉपुलेशन में बिहार ही आगे था, लेकिन वहाँ पर कुछ एजुकेशन प्रोग्राम्स और लिटरेसी रेट को थोड़ा सा बढ़ाया गया, इस वजह से और मेल फीमेल रेशियो को भी इम्प्रूव किया गया, इस वजह से रूरल पॉपुलेशन में थोड़ा सा कमी आई है। ठीक है, चाइल्ड पॉपुलेशन एट मिलियन, चाइल्ड पॉपुलेशन 1.68 मिलियन। ठीक है, चाइल्ड मतलब 0 to 6 चाइल्ड पॉपुलेशन। ठीक, देयर हैज बीन इंक्रीज 10.57% का इंक्रीज हुआ चाइल्ड, यानी कहीं कहीं ना कहीं देखा गया तो हमारा उसमें अगर हम 0 to 1 इयर्स के बीच में इनफैक्ट मॉर्टलिटी रेट का क्राइटेरिया, यानी अगर ये आपकी चाइल्ड पॉपुलेशन बढ़ रही 0 to 6 इयर्स में, यानी कहीं ना कहीं इनफैक्ट मॉर्टलिटी रेट में भी इम्प्रूवमेंट आया होगा, तभी चाइल्ड पॉपुलेशन आपकी इंक्रीज हुई। ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात कर लें, वही 0 to 6 इयर्स के बीच में मेल और फीमेल के बीच का क्या रेशियो है। ठीक, रूरल एरियाज में चाइल्ड सेक्स रेशियो गिर रहा है, अब यहाँ पे बहुत ही गड़बड़ स्थिति आ रही है, रूरल एरियाज में चाइल्ड सेक्स रेशियो गिर रहा है, 9 पॉइंट से गिर चुका है रूरल एरियाज में, और अर्बन एरियाज में तो 18 पॉइंट से गिर चुका है, तो बहुत ही कॉज ऑफ कंसर्न होता है, फीमेल और मेल का रेशियो डिक्रीज हो रहा है, अर्बन एरियाज में डबल हो रहा है, रूरल एरियाज में जो 9 है उसका डबल अर्बन एरियाज में, तो जो एक बहुत ही कॉज ऑफ कंसर्न है। नवाडा का सबसे ज्यादा है 988 per 1000 मेल्स, और आपका वैशाली का 6894 है। ठीक है, जो कि एक कॉज ऑफ कंसर्न, 894 बहुत कम होता है चाइल्ड सेक्स रेशियो, ओवरऑल नेशनल चाइल्ड सेक्स रेशियो से देखा जाए तो बहुत कम है, नंबर ऑफ इलिटरेट्स भी यहाँ पर बहुत ज्यादा है, हालांकि पटना में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है लिटरेसी रेट में, लेकिन ओवरऑल जब बिहार का लिटरेसी रेट देखा जाए तो 23.3 मिलियन लिटरेसी रेट यहाँ पर, मतलब लिटरेट पीपल यहाँ पर बढ़ गए 23 मिलियन यहाँ पर लिटरेट्स बढ़ गए, तो थोड़ा स्लाइट इम्प्रूवमेंट हुआ है लिटरेसी रेट, लेकिन अभी भी ओवरऑल लिटरेसी रेट उतना अच्छा नहीं है। ठीक है, रूरल एरियाज का लिटरेसी रेट 61.83% है और अर्बन एरियाज का लिटरेसी रेट जो है वो 78.6
75% जो अभी भी बहुत कम, यानी 39% रूरल एरियाज में अभी भी इलिटरेट पॉपुलेशन और 22% अभी भी अर्बन एरियाज में इलिटरेट पॉपुलेशन। रूरल एरियाज के चलिए हम बात छोड़ो, अर्बन एरियाज में भी अभी 22% लोग इलिटरेट, जो ओवरऑल डेवलपमेंट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। अर्बन एरियाज से लिटरेसी अगर बढ़ा लिया जाए तो अब अर्बन एरियाज में भी रूरल एरियाज के लोग ही अर्बन एरियाज में आके बसते हैं, या रूरल एरियाज डेवलप होते हैं तो अर्बन एरियाज बन जाते हैं। तो जरूरी है कि अर्बन एरियाज में लिटरेट पॉपुलेशन अगर इंक्रीज होगी तभी ओवरऑल डेवलपमेंट बिहार का बढ़ेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू कंपेयर टू डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अभी तो हम लोगों ने केस स्टडी स्टेट्स की थी विद इन इंडिया, इन मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेट्स हमने लिए थे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिफरेंट कंट्रीज के बारे में डिस्कस करेंगे, डिफरेंट कंट्रीज के कंपैरिजन करेंगे कि बाकी जो हमारे विश्व की जो भी कंट्रीज हैं उनमें और हमें क्या डिफरेंस है इनकम के बेसिस पे और बाकी हेल्थ एजुकेशन के बेसिस पे। तो थैंक यू क्लास, लिसन लिसन।